नमस्कार मित्रों, राजस्थान विधानसभा चुनाव 2023 अब तक का फलोदी सट्टा बाजार का सबसे बड़ा निकलकर सर्वे सामने आया है। राजस्थान विधानसभा चुनाव में किसकी सरकार बनेगी, कांग्रेस, बीजेपी या फिर आरएलपी की? अभी अभी फलोदी सट्टा बाजार की सबसे बड़ी भविष्यवाणी निकलकर सामने आ रही है। इस बार राजस्थान विधानसभा चुनाव में कांग्रेस और बीजेपी पार्टी का समीकरण भी बिगड़ सकता है, क्योंकि आरएलपी पार्टी एएसपी पार्टी के साथ गठबंधन करके राजस्थान में इन दिनों मजबूती से चुनाव लड़ रही है और फलोदी सट्टा बाजार के अनुसार किसी भी पार्टी को पूर्ण बहुमत नहीं मिलेगा। इस प्रकार का सर्वे अभी अभी सामने आया है। लेकिन दोस्तों, फलोदी सट्टा बाजार के अनुसार राजस्थान विधानसभा चुनाव में सबसे ज्यादा मत किस पार्टी को मिलेगा, कांग्रेस, बीजेपी या किसी और को? पूरी जानकारी हम आपको इस वीडियो में बताने वाले है। उससे पहले इस वीडियो को शेयर जरूर करें। और सबसे पहले फलोदी सट्टा बाजार के अनुसार गंगानगर विधानसभा की 6 सीटों पर 3 सीटों पर बीजेपी पार्टी चुनाव जीतेगी और 3 सीटें कांग्रेस पार्टी के खाते में जाएगी और अन्य दल को 0 सीटें मिलेगी। और यहां पर दोनों पार्टियों के बीच में कड़ा मुकाबला रह सकता है और 3 सीट बीजेपी जीतने में कामयाब रहेगी और 3 सीट कांग्रेस। और बीकानेर विधानसभा सीट की बात करें तो कुल 7 विधानसभा सीटें हैं, इनमें से 5 विधानसभा सीट बीजेपी पार्टी के खाते में जाएगी और 2 विधानसभा सीट कांग्रेस पार्टी के खाते में जाएगी और यहां पर भी अन्य को 0 सीट मिलेगी। और जैसलमेर विधानसभा क्षेत्र की 2 सीटें हैं जिसमें फलोदी सट्टा बाजार के अनुसार बीजेपी को 1 सीट मिलेगी और 1 सीट ही कांग्रेस पार्टी को, और यहां पर भी अन्य दलों को 0 सीट मिलने की संभावना है। और बाड़मेर जिले की बात करें तो बाड़मेर जिले के अंदर 7 विधानसभा सीटें हैं जिसमें से 3 विधानसभा सीटें बीजेपी को और 3 विधानसभा सीटें कांग्रेस पार्टी के खाते में जाएगी और बाड़मेर जिले में अन्य दलों को 1 सीट मिलने की संभावना जताई जा रही है, क्योंकि यहां पर बायतू विधानसभा सीट से आरएलपी प्रत्याशी का मजबूत उम्मीदवार भी बताया जा रहा है। और अब जालौर जिले की 5 विधानसभा सीटों की बात करते हैं तो भारतीय जनता पार्टी को 3 सीट मिल सकती है और यहां पर कांग्रेस पार्टी को 2 सीट मिलने की उम्मीद है और यहां पर भी अन्य दलों को 0 सीट मिलने की संभावना है। और अब बात करते हैं सिरोही जिले की 3 विधानसभा सीटों की, तो यहां पर 1 सीट भारतीय जनता पार्टी के खाते में जाएगी और 2 सीट कांग्रेस पार्टी को मिलने की उम्मीद जताई जा रही है, लेकिन यहां पर भी अन्य दलों को 0 सीट मिलने की संभावनाएं है। दरअसल इस बार भी राजस्थान में विधानसभा चुनाव को देखते हुए कांग्रेस और बीजेपी की जोरदार टक्कर दिख रही है। हालांकि अभी तक सरकार पूर्ण रूप से बीजेपी की बनेगी या फिर कांग्रेस की, उसकी अभी तक स्पष्ट पुष्टि नहीं हुई है। धन्यवाद मित्रों, इस वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर दें। मिलते हैं किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।